मैं हूं सानिया अग्रसी, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कुर्ला के बंटर भवन इलाके में एक नाले में से महिला का शव बरामद किया गया था और पुलिस इस जांच में जुटी थी कि इस महिला की हत्या किसने की है। अब पुलिस ने सफलता पूर्वक दो महिलाओं को पकड़ा है जो कि अपना गुनाह कबूल कर रही है। दरअसल छानबीन के समय पुलिस को पता चला कि रात के समय उस नाले के पास एक ऑटो रिक्शा आई थी जिसमें से इस बोरे को फेंका गया था। ऑटो रिक्शा का पता चलने पर रिक्शा चालक ने कहा कि दो महिला थी जिसने इस बोरे को नाले में फेंका था, पर उसे नहीं पता था कि इसमें मृत महिला का शव है। आखिर में पुलिस ने दो महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है और उन महिलाओं ने अपना जुर्म कबूल करते हुए कहा कि इस लड़की की उम्र 16 साल की है और जिस महिला ने इसकी हत्या की थी उसके पति से उस लड़की की अच्छी बातचीत थी, अच्छे संबंध थे। इस रिलेशन से उसकी पत्नी हमेशा नाराज थी और कई बार उस लड़की को वार्निंग दी थी कि वो उसके पति से दूर रहे, पर लड़की ने उसकी सारी बातों को नज़रअंदाज कर दिया और गुस्से में आकर उस महिला ने 16 साल की लड़की की हत्या कर दी। उस महिला ने बताया कि उसने लड़की को फ़ोन करके बुलाया था और उसका सर दीवार पर तब तक मारा जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं हो गई। साथ ही लाश को ठिकाने लगाने के लिए एक और महिला जो कि उसकी सहेली थी उसकी मदद ली। अब दोनों ही महिला पुलिस की हिरासत में है।